नमस्कार दोस्तों दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास ट्वेल्थ में अगर हम एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम्स देखें SN1 और SN2 पे किस तरह से प्रॉब्लम आती हैं, तो उस पर अगर हम बात करें ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं काफ़ी उसमें। अगर हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखें तो आपने देखा हो उसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि दो कंपाउंड दे दिए उसने, और एक तो उन्होंने दिया CH3 CH2 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 Br और एक दूसरा दिया CH3 CH2 CH BrCH3, और आपसे पूछा SN2 रिएक्टिविटी बताइए। तो मैं जानता हूँ आप में से ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन को करना जानते हैं, इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत बेसिक से जीरो से अगर हम स्टार्ट करें तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि एक कार्बन के पास में जिस पे हेलोजन लगा हुआ है, लेट हेलोजन में मैं ब्रोमीन मान लूँ, अगर उसके पास में दो हाइड्रोजन होते हैं कम से कम, तो ऐसे कार्बन को, ऐसे हैलाइड को हम प्राइमरी हैलाइड कहते हैं। मैं जानता हूँ आप ये बात जानते हैं अच्छी तरह से। और अगर उस पर केवल एक ही एच लगा हुआ है, आपने कहा बची हुई पोजीशन पे इस पर आर भी लग सकता था, एच भी लग सकता था, मिथाइल, तो यहाँ पे दोनों में आर लगा दूँ एल्काइल, तो ऐसे कार्बन को, ऐसे हैलाइड को हम सेकेंडरी हैलाइड कहते हैं। और अगर मैं दोस्तों जिस कार्बन पे हेलोजन लगाए उस पे एक भी एच नहीं है, देखिए, तो ऐसे को हम टर्सरी हैलाइड कहते हैं। मैं समझता हूँ आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी हैलाइड किसे कहते हैं, सेकेंडरी कैसे, टर्सरी किसे कहते हैं। दोस्तों SN1 में जब आपसे कोई SN1 की बात करता है, बहुत आसान सी बात है, आप लोग जानते हैं, SN1 की कोई बात करें तो SN1 के साथ में आपको हमेशा एक टर्म याद होना चाहिए, कार्बोकेटायन। हमेशा हमें से कई के मन में बात आ जाती है कि सब मैं कार्बोकेटायन नहीं जानता। एक्चुअली हम जानते होते हैं, यही तो सोच मन से निकालनी होती है कि हम नहीं जानते। तो SN1 के साथ में कार्बोकेटायन का बात होनी चाहिए। तो जितना कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। बच्चे को यहाँ से बड़ी दिक्कत होती है कि साहब आप एक तरफ तो कह रहे हैं वो स्टेबल है और एक तरफ कह रहे हैं रिएक्टिविटी ज़्यादा है। आपने सेंटेंस पूरी तरह से ठीक से सुना नहीं दोस्तों। रिएक्टिविटी किसकी कह रहे हैं, एल्काइल हैलाइड की, और स्टेबिलिटी किसकी कह रहे हैं, इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटायन बना होगा उसकी। तो अगर कार्बोकेटायन स्टेबल है तो जिससे बनाए वो बहुत रिएक्टिव होता है। छोटी सी बात है, कंपाउंड की रिएक्टिविटी देख रहे हैं, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोकेटायन अगर स्टेबल है तो कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है अगर वो SN1 मैकेनिज्म से चलता है। तो प्राइमरी कार्बोकेटायन प्राइमरी हैलाइड से जो बनेगा, यहां से जो बना, इस हैलोजन को हटा दिया मैंने तो ये प्राइमरी हैलाइड बन गया, प्राइमरी कार्बोकेटायन बन गया। प्राइमरी हैलाइड हैलोजन को हटाया मैंने, और अगर मैं सेकेंडरी वाले से हटा दूं तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। अगर मैं टर्सरी वाले से हटा दूं तो ये टर्सरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। देखिए ये हटा दिया मैंने बन गया, ये हटा दिया मैंने बन गया, ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। क्यों ज्यादा स्टेबल है वो एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। अभी जो हमारा मेन पर्पज था वो था कि SN1 SN2 में रिएक्टिविटी पे काम करना चाह रहे थे। तो अगर कोई SN1 कहता है आपसे तो फौरन से उस हेलोजन को हटाएं और कार्बोकेटायन बनाएं, ठीक है, यहां तक तो मैं समझता हूं कोई समस्या वाली बात नहीं। और तो इसीलिए क्योंकि प्राइमरी का कार्बोकेटायन कम स्टेबल है,
सेकेंडरी का ज्यादा स्टेबल है, टर्सरी का उससे ज्यादा स्टेबल है, तो रिएक्टिविटी ऑफ ऑफ एल्काइल हैलाइड टू बार्स टू बार्स एसएनवन, तो आपको आ गया समझ में, प्राइमरी एल्काहिलाइड से ज्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल वो रिएक्टिव टर्सरी, क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर ये होता है। अब जरा उस क्वेश्चन पे आए जिसकी वजह से हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे। क्वेश्चन ये था कि ये दो कंपाउंड है, इनको हमें SN2 की रिएक्टिविटी में अरेंज करना है। अगर उसने SN1 पूछा होता तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस आप जानते हैं ये प्राइमरी हैलाइड है जहां हैलोजन लगा हुआ है वहां पे दो हाइड्रोजन है, और ये सेकेंडरी हैलाइड है जहां हैलोजन लगा हुआ है वहां पे एक ही हाइड्रोजन है। तो हम जानते हैं SN1 में प्राइमरी से ज्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी, और कोई कॉज पूछता तो हम, ये तो रिएक्टिविटी है और कॉज आपसे पूछता तो हम कहते स्टेबिलिटी जो है ऑफ कार्बोकैटायन वो प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी, ये स्टेबिलिटी है। ऊपर रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड, एल्का हैलाइड बताइए। तो अगर SN1 पूछा होता तो हम फौरन से कह देते भाई इससे ज्यादा रिएक्टिव ये है। लेकिन उसने SN1 नहीं पूछा है, उसने तो आपसे क्या पूछा है, SN2 की रिएक्टिविटी पूछी। क्वेश्चन पे फिर दोबारा से आते, क्या पूछा है उसने, उसने दो कंपाउंड दे रखे सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर और सी एच थ्री सी एच टू सी एच बी आर सी एच थ्री और रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN2 पूछा। एक्चुअली SN2 के लिए काम करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है SN1 के कंपैरिजन में। SN2 में हमें याद होना चाहिए रिएक्टिविटी कैसे होती है, जो CH3Br है वो ज्यादा रिएक्टिव, मतलब हेलोजन की जगह मैं ब्रोमीन इस्तेमाल कर रहा हूं प्राइमरी हैलाइड से, क्योंकि इसमें तीन हाइड्रोजन है, बताएंगे क्यों। सेकेंडरी हैलाइड से प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव है और टर्सरी हैलाइड से सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव। इनके इनफैक्ट ये तो SN2 देते ही नहीं, ऐसे मान के चलते हैं कि टर्सरी तो SN2 रिएक्शन देते ही नहीं। उसका कारण क्या होता है कि जब मैं इस हैलोजन को लगाऊंगा, ये हैलोजन मेरे पास में, तो इस पे तीन एच लगे हैं, ये H बेचारे हल्के से होते हैं, बहुत हल्के से, तो SN2 में न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली आके अटैक करता है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है तो इन H को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि बेचारे हल्के से होते हैं, तेजी से आते, बेचारे बाल जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई आया तेजी से तो बच्चे साइड में को हट गए। जब हम प्राइमरी पे पहुंचे तो उसमें दो तो एच है और एक आर है, ये प्राइमरी, ये बल्कि है, भारी, आर को भारी मानते हैं। तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये आर उसको रोकेगा, जो भारी ग्रुप होगा, जाने नहीं देगा। तो बेचारा न्यूक्लियोफाइल इधर से जाएगा एच के पास से चला जाएगा, लेकिन इसको कहते हैं, ये जो आर जो रोक रहा है इसको कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस,
अब आप समझ गए होंगे कि भाई अब सेकेंडरी में तो दो आर हैं, वहां तो स्टीरिक हिंड्रेंस और ज्यादा हो गई मित्तल सर, बिल्कुल सही समझा आपने। अब न्यूक्लियर भाई लाएगा बेचारा इस एच की तरफ से तो जा सकता है, ये दो तो रोकने को तैयार बैठे भाई, हम नहीं जाने देंगे। और टर्सरी में तो जा ही नहीं पाएगा क्योंकि वहां पे तो तीन आर बैठे हुए हैं। अब अगर आर के साइज पे क्वेश्चन पूछ ले, दोनों ही प्राइमरी हैं लेकिन एक में आर बड़ा है एक में आर छोटा है, तो आप समझ गए होंगे जितना बड़ा आर लगा होगा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने नहीं देगा और SN2 में रिएक्टिविटी कम आएगी। SN1 में न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं मारता, पहले कार्बोकैटायन बन जाता है और जब कार्बोकैटायन बन जाता है तो न्यूक्लियोफाइल के पास में इनविटेशन लेटर जाता है कि भाई साहब प्लीज आप हमारे घर पे लंच पे आइए। कार्बोकैटायन बनने के बाद में तो न्यूक्लियोफाइल को इनविटेशन जाता है, आइए सर प्लीज आइए हमसे जुड़िए। लेकिन SN2 में नहीं गया इनविटेशन, वहां तो न्यूक्लियोफाइल आके जबरदस्ती के साहब हम ही लगेंगे यहां पे, हटो हटाओ इस हैलोजन को हम लगें, तो वहां पे स्टीरिंग हिंडन देखनी पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा कोई क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आएगा तो आप कर पाएंगे। जैसे मैं आपको दे दूं, आपसे कोई पूछे कि साहब ये देखिए ये क्वेश्चन है, अब एग्जामिनेशन तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, ये दे दिया किसी ने और ये दे दिया किसी ने और आपसे पूछा ये ए है और ये बी है कि साहब बताइए फॉर SN1 रिएक्टिविटी बताइए। आपने कहा मित्तल सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये जो बनेगा ये प्राइमरी है और ये जो है ये टर्सरी है, तो सर्टेनली आप जानते हैं SN1 का मतलब कार्बोकैटायन होता है, तो टर्सरी ज्यादा रिएक्टिव है, तो प्राइमरी से ज्यादा रिएक्टिव टर्सरी रिएक्टिविटी, तो ए से ज्यादा बी आर। अब उसने कहा फॉर SN2 बताइए, आपने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है साहब, SN2 में प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्यों ज्यादा होता है वो आपको फील आ रहा होगा, इस पर दो एच है न्यूक्लियोफाइल आसानी से लग पाएगा, बस इसी फील को लाना ही केमिस्ट्री होता है, तो टर्सरी से ज्यादा रिएक्टिव प्राइमरी मतलब बी से ज्यादा रिएक्टिव ए, इतनी सी बात थी। आपने कहा साहब रीअरेंजमेंट हो जाता है ऐसे, आप बड़ी बात सोचेंगे तो दिक्कत आएगी। एक और क्वेश्चन देखिए आपके साथ, किसी ने आपको ऐसे कह दिया कि साहब एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड इनको अरेंज कीजिए रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN2, अब समस्या क्या आई, पहली समस्या जो सबसे विकराल है, पहली समस्या जिस वजह से ऑर्गेनिक बिचारी कुछ लोग ऑर्गेनिक को ही कहते हैं साहब ऑर्गेनिक समझ में कम आती है, पहली समस्या यह है कि हमें एन ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल नहीं मालूम क्या होते, पढ़ा तो है हम कर सकते हैं लेकिन जब करने बैठते हैं तो नहीं आते। तो दोस्तों पहले तो सबसे पहले आप ब्यूटाइल के चार ब्यूटाइल होते हैं चारों बनाने सीखिए, एन ब्यूटाइल किसे कहते हैं, आइसोब्यूटाइल किसे कहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल किसे कहते हैं और टर्सरी ब्यूटाइल किसे कहते हैं, पहले तो ये बनाना सीखिए। मैंने YouTube पे अपनी मेरी एक 20 क्लिप पड़ी हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, उसमें पहली क्लिप में यही बताया है कि प्रोपाइल दो होते हैं और ब्यूटाइल चार होते हैं, तो पहले नंबर पे तो दोस्तों मजबूत करना पड़ेगा, ये अस्त्र शस्त्र अपने अंदर पैदा करने पड़ेंगे तभी तो सीख पाएंगे। तो आपने एन ब्यूटाइल बनाया, ये तो हो गया एन ब्यूटाइल और दोस्तों ये हो गया आपका आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल ऐसे होता है ये आइसो। अब समस्या क्या है, SN2 में पूछा तो ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, इस पे भी दो एच मौजूद है, इस पे भी दो एच मौजूद। अब जरा फील लाके देखिए अपने पास में, जब हम SN2 पे काम करते हैं तो क्या सोच के काम करते हैं, SN2 सोच के बताइए मुझसे, जब हम SN1 पे सोच रहे होते हैं SN1
हमेशा आपके दिमाग में कार्बोकैटायन आना चाहिए। भाई बहुत सारे नाम है, अमिताभ कोई कहता है तो हम उसके साथ खान थोड़ी लगाते हैं, बच्चन लगाते हैं ना। शाहरुख कोई कहता है तो हम उसके साथ में बच्चन नहीं लगाते, हम खान लगाते हैं। हमें याद है ये बात, किसी ने याद तो कराई नहीं। दुनिया में हो सकता है कुछ अमिताभ खान भी हो सकता है कुछ दुनिया में शाहरुख बच्चन भी हो, लेकिन जो चीज फेमस है। तो ऐसे ही आदत डालिए, SN1 के साथ में पूरा सेंटेंस याद होना चाहिए, SN1 कार्बोकैटायन, SN2 स्टीरिक हिंड्रेंस न्यूक्लियोफाइल, जबरदस्ती आके लगता है तो SN2 में स्टीरिक हिंड्रेंस, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप अपने मन में। तो साहब अब इस एच पे आके न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा यहां, अब जरा फील लगा के देखिए। वैसे तो आपको आंसर मिल गया है ना, यहां पे दो तो एच लगे हुए और एक ये ब्यूटाइल लगा हुआ है। ये ब्यूटाइल कैसे है, अगर हम तीन कार्बन बनाना चाहें तो उसको जंबल करके बना लेते हैं। मैं इसे दोबारा बनाऊं, एक दो तीन ऐसे बना सकते हैं हम इसे, ये वाले को, और इस वाले को मैं बनाना चाहूं। आप ऐसे नहीं भी बनाएंगे तो भी क्वेश्चन, ये दो एच हो गए और इसको मैं बनाना चाहूं तो एक ये वाला कार्बन और इस पे दो। तो आप जरा ध्यान से सोच के बताइए कि इस पे स्टीरिक हिंड्रेंस कौन बल्कि ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये तो सीधा सीधा जा रहा है, ये थोड़ा बल्कि है, गोलू है, ऐसा ज्यादा बल्कि लग रहा है तो इसमें भी तीन कार्बन, लेकिन इसके तीन इस पे ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस ऐसे घूम के लगा हुआ है। आ रही बात समझे आपको, तो दैट इज वाई ये ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा। तो सर्टेनली हम कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी जो आएगी वो आएगी आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड से ज्यादा। N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड सीधा सा केस है, मैं नहीं समझता कोई मुश्किल बात। अब अगर कोई हेलोजन चेंज कर दे, आपसे कहे कि साहब ये भी NCERT का क्वेश्चन है, ये तो CH3CH2Br है, उसने कहा CH3CH2I, आप इसको अरेंज कर दीजिए। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अगर R सेम है, असली लड़ाई R की है, तो यहां पे दोनों R सेम है, देखिए एल्काइल तो दोनों सेम है, तो याद रखिए कि फ्लोराइड तो रिएक्ट ही नहीं करते, उनसे ज्यादा रिएक्टिव क्लोराइड, क्लोराइड से ज्यादा रिएक्टिव ब्रोमाइड, और ब्रोमाइड से ज्यादा रिएक्टिव आयोडाइड। और मजे की बात यह है कि SN1 और SN2 दोनों में यही ऑर्डर होता है, हालांकि कॉज दोनों का अलग अलग है, कभी कॉज पे बात करेंगे, दोनों में सेम ऑर्डर आता है। तो बहुत आसान सी बात होती है। एक चीज और आपको इस पे ऐड करना चाहूंगा कि दोस्तों ये जो है ना, मैंने पहले ही इससे पहली क्लिप में भी कहा था, बेंजीन से डायरेक्टली जब हेलोजन जुड़ा, जैसे मान लो ये है, या फिर डबल बॉन्ड से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हो, इसको कहते हैं विनाइल, इसको कहते हैं एराइल। ये तो भाई SN1 SN2 दोनों में वेरी 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 लेस रिएक्टिव, दोनों के केस में ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, होते ही नहीं, एक तरह से रिएक्ट करते ही नहीं। क्वेश्चन तब हो जाता है जब हमसे पूछा कौन ज्यादा रिएक्टिव, और सारे ही ऐसे हैं, उन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो एक अलग कहानी है, लेकिन अगर वैसे है तो ये तो बेचारे रिएक्ट करते नहीं, वो एराइल है ये विनाइल है। और दोस्तों याद रखें, डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन पे अगर हेलोजन आ जाए तो ये एलाइल होता है। इसका जो कार्बोकैटायन है वो बहुत स्टेबल होता है,
वेरी स्टेबल था। आपने कहा मित्तल सर आप हमें सारे कार्बोकोटाइन एक साथ पढ़ा दें, तो एक्चुअली मैंने कार्बोकोटाइन पे भी एक क्लिप डाली हुई है, पर जरूरत नहीं है। कार्बोकोटाइन की बहुत वैरायटी है, हर कंपाउंड ग्रुप का कहीं ना कहीं कार्बोकोटाइन पे इफेक्ट आ ही जाता है, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। ये बहुत स्टेबल कार्ब, तो ये कंपाउंड वेरी रिएक्टिव फॉर SN1 होते हैं। एलाइन सिमिलरली अगर मैं बेंजीन के पड़ोसी कार्बन पे हेलोजन लगा दूं, इसे बेंजाइल कहते हैं, वहां जब ही लगाया था थोड़ी देर पहले तो बेंजीन के पे डायरेक्टली हेलोजन लगाया था, देखिए यहां जो लगाया है बेंजीन के पड़ोसी कार्बन बेंजाइल, ये भी बेंजाइल कार्बोकोटाइन भी बहुत स्टेबल होता है, इसलिए वेरी वेरी रिएक्टिव टुवार्ड्स SN1। एनसीईआरटी ने क्या किया कि एक तो ये बनाया और दूसरे में दो बेंजीन बना दी, तो जिस वजह से वो रिएक्टिव ज्यादा था वो फैक्टर डबल हो गया, और तीसरे में तीन बेंजीन लिंक बना दी, जिस वजह से वो स्टेबल ज्यादा था कार्बोकोटाइन वो ट्रिपल हो गया, तो नो डाउट 1, 2, 3 वन से ज्यादा रिएक्टिव टू, टू से ज्यादा थ्री फॉर SN1। SN2 में ऐसा कोई झगड़ा ही नहीं, वहां तो आपको फील आना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल जाके लगेगा, जहां बल्कि ग्रुप लगे हो वो कम रिएक्टिव। मैं उम्मीद करता हूं कुछ तो आपकी मदद मिलेगी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।